खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश भाग्य चक्र। मैं हूं आपके साथ रोमिता। आज रविवार है और आज के दिन किस भगवान की पूजा की जाती है, पूजा का विधि विधान क्या है, भगवान को आप कैसे खुश कर सकते हैं, साथ ही राशियों पर इसका किस तरीके से प्रभाव पड़ने वाला है, और अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो चालीसा का क्या महत्व है, कैसे आप हनुमान जी को खुश कर सकते हैं, कैसे उनकी विशेष कृपा पा सकते हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में आज हमारी खास पेशकश में हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य प्रमोद मिश्रा जी। आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम। नमस्कार। तो चलिए आज की चर्चा को हम शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले बात आज के पंचांग की, यानी कि आज का शुभ समय क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। बिल्कुल, आज का पंचांग प्रारंभ करें इससे पहले भगवान सूर्य का ध्यान करते हैं कि आज का दिन उन्हीं को समर्पित है। यही सूर्य सहस्रांशो तेजो रासे जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या ग्रहण अर्घ दिवाकर। हे भगवान सूर्य, आप अपने तेज से, अपनी राशियों से, अपनी रश्मियों से, अपनी किरणों से संसार को प्रकाशित करते हैं, संसार की अनैतिक ऊर्जा को दूर करते हैं, और आप हमारे हृदय भवन में जो भी अंधकार हो, जिस प्रकार का कोई दोष हो, उसको आप दूर करें, यही हमारी प्रार्थना है। और आपको कार्यक्रम में निमंत्रण देते हुए हम बात करते हैं आज के पंचांग के बारे में। पंचक भी पूरा दिन रात रहने वाला है, तो आज प्रमादी नाम का संवत्सर संवत 2077 साके 1942 सूर्य भगवान दक्षिणायन चल रहे हैं, वर्षा ऋतु चल रही है। भाद्रपद कृष्ण पक्ष और तिथि षष्ठी पूरी रात्रि रहने वाली है। आज रेवती नक्षत्र है, जो कि रात को 7:07 का समय, इसके बाद अश्विनी प्रारंभ हो जाएगा। आज धृति योग है 6:46 तक, इसके बाद शूल योग प्रारंभ होगा। आज गर करण है, जिसका समय है 5:29 तक, इसके बाद जो है दूसरा करण प्रारंभ हो जाएगा। चंद्रदेव मीन राशि में है, शाम को 7:07 तक, इसके बाद मेष राशि में आगे प्रवेश कर जाएंगे। भगवान सूर्य कर्क राशि में 25° पर चल रहे हैं, नक्षत्र में निवास कर रहे हैं, और आज का सूर्योदय 5:47, आज का सूर्यास्त शाम को 7:06 पर है। आज का राहु काल शाम को लगेगा, जिसका समय है 5:26 से लेकर 7:06 तक का। ये विशेष कार्य के लिए इसमें वर्जित कर दिया जाता है। आज का अभिजीत मुहूर्त, जो हर तरह के कार्य को सिद्ध करता है, इसका समय है 11:20 से लेकर के 12:15 तक, तत्कालीन मुहूर्त है। आज दक्षिण दिशा की यात्रा बिल्कुल न करें, और आवश्यकता बस बहुत ही आवश्यक है, करना पड़ रहा है, तो दही का सेवन करके यात्रा आप प्रारंभ कर सकते हैं। चलिए, तो ये तो हुआ शुभ समय के, आज का पंचांग क्या कहता है। बात हम करेंगे हमारे आज के विषय की, यानी कि हनुमान चालीसा का क्या कुछ प्रभाव पड़ता है, कैसे आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं और कैसे अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं, इसके बारे में आचार्य जी से हम बात करेंगे। आचार्य जी, भगवान हनुमान को संकट मोचक कहा जाता है, यानी कि संकटों को दूर करने वाले, तो सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि हनुमान चालीसा का क्या कुछ प्रभाव पड़ता है, कैसे इसे विधि विधान से किया जाता है। बिल्कुल, हनुमान चालीसा के बारे में बात करेंगे कि हनुमान जी का जो पूजा की जाती है, हनुमान जी का प्रभाव जीवन में पड़ता है, वो किस तरह से पड़ता है। यहाँ पर हनुमान चालीसा में प्रारंभ ही किया गया है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वरणहु रघुबर बिमल जस जो दायक फलचारी। यही सबसे पहली जो पूजा होती है किसी भी देवी या देवता की पूजा से करने पहले गुरुदेव के चरण कमलों का ध्यान करते हैं। क्यों? श्री गुरु चरण यानी चरण रज, रज यानी धूली, गुरु के चरण कमलों की धूली जब तक मस्तक पर हम नहीं लगाते हैं, जब तक उसका प्रणाम उनको नहीं करते हैं, जब तक उनका आवाहन नहीं करते, तब तक कोई भी पूजा या प्रतिष्ठा या मंत्र जो है व्यर्थ माना जाता है। इसीलिए सबसे पहली पूजा जो हनुमान चालीसा में कही गई वो गुरु के चरण कमलों की कही गई। फिर आगे हम और भी प्रार्थना करते हैं कि वरण हु रघुबर बिमल जस जो दायक फलचारी, बुद्धिहीन तरु जान के सुमिरो पवन कुमार, यानी अपने आप को बुद्धि ने बताया, कितना बुद्धिमान हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो, लेकिन फिर भी अपने आप को जब तक हम झुकाते नहीं हैं, देवताओं के चरणों में नमन नहीं करते और अपने देवताओं के चरणों में हम दंडवत नहीं करते, तब तक हमारी भी पूजा में कोई प्रकाश नहीं आता, कोई भी प्रभाव नहीं आता। इसीलिए पहली पूजा गुरु की, गणेश की, और अपने आप को परमात्मा के चरणों में निवेदित करते हुए फिर आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर हनुमान जी की जय जयकारी की गई है। कामनाओं की पूर्ति के लिए अलग अलग श्लोक, अलग अलग मंत्रों का, चौपाइयों का और दोहों का प्रयोग किया गया है।
यहाँ पर हम प्रारंभ करते हैं कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। हे हनुमान जी महाराज, आप हर तरह से बलवान हैं, हर तरह से आप अंजनी के पुत्र हैं, पवन सुत आपका नाम है, और हर तरह से आप प्रभावशील हैं। इसलिए यहाँ पर प्रार्थना करते हुए, और हम जब अपने कामनाओं को, अपने मन के विचारों को हनुमान जी के चरणों में निवेदित करते हैं, तो निश्चित है कि वो जिम्मेदारी, वो प्रभाव हनुमान जी का हो जाता है, और हनुमान जी उसको पूरा करने का पूरा प्रयास करते हैं। साथ साथ आपके कर्मों में जो न्यूनता है, कर्मों में जो कुछ कमी है, उस कमियों को भी दूर करते हुए हनुमान जी उसकी पूर्ति करते हैं। मंत्र आता है इसमें चौपाई के रूप में है कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अष्ट बर दीन जानकी माता। हे हनुमान जी महाराज, जानकी माँ ने आपको ऐसा वरदान दे रखा है कि आप अष्ट सिद्धियों के और नवनिधियों के दाता हैं, यानी देने वाले हैं। तो देने वाले आप कहाँ से बने? जब तक आपको माता जी ने दिया नहीं, यानी जानकी माँ ने नहीं दिया, तब तक आप देने वाले नहीं थे। लेकिन जानकी माँ ने आपको ये वरदान दे दिया, ये आशीर्वाद दे दिया, आज आप इस वरदान को आगे भी देने में समर्थवान हो गए हैं। तो ऐसे ही रोग शांति के लिए, कामनाओं की पूर्ति के लिए, जो है नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। कैसे? गुरुदेव की नाई। जैसे गुरुदेव की कृपा अनन्य होती है, कभी खाली नहीं जाती है, ऐसे ही भगवान आप कृपा हमारे ऊपर ऐसी बरसे कि कभी भी जीवन में कोई भी रिक्तता न रह जाए, कोई न्यूनता न रह जाए, कोई कमी न रह जाए। ऐसे ही जैसे गुरुदेव कृपा करते हैं हृदय में बस करके, और इस जीवन रूपी नैया को आगे बढ़ा देते हैं प्रभु, ऐसे ही आपकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, ऐसी कामना और भावना के साथ हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है। नियम होता है, नियम सात्विकता बहुत जरूरी है, तन की शुद्धि, मन की शुद्धि, विचारों की शुद्धि बहुत जरूरी। साथ साथ आप जो भी चौपाई या दोहा पढ़ रहे हैं उसमें कभी भी कोई गलती ना करें। कई बार ऐसा हमने देखा है कि लोग मिलते हैं और जब मैं उनसे पूछता हूँ कि हनुमान चालीसा आप करते हैं, कहते हैं हाँ गुरुजी मैं बहुत तरीके से करता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से करता हूँ, बेटे को याद है। लेकिन जब मैं उनसे पूछता हूँ तो इतनी गलतियाँ उनके शब्दों में होती हैं, इसका कोई जवाब नहीं होता है। इसीलिए मैं आपसे यही कहता करना चाहता हूँ कि आप गलतियाँ बिल्कुल न करें, और जो मंत्र जैसा लिखा हुआ है, जो चौपाई जैसी लिखी हुई है, उसको उसकी मात्रा के अनुसार हलंत लगाते हुए वैसे ही पढ़ें। तो नियम बहुत सारे इसके होते हैं, बाकी और भी बात करेंगे आपसे। तो अभी आपने जाना कि हनुमान चालीसा अगर आप पढ़ते हैं, इसका अनुष्ठान करते हैं, तो किस तरीके से चमत्कारी लाभ आपको मिलते हैं, साथ ही भगवान की विशेष कृपा भी आप प्राप्त करते हैं, और आपका जीवन इससे खुशियों से भर सकता है, बहुत सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं सिर्फ एक हनुमान चालीसा के पाठ से। क्या विधि है, क्या इसके और महत्व है, मंत्रों का क्या कुछ महत्व है, इसके बारे में भी हम जानेंगे, और कौन से छोटे उपाय आप कर सकते हैं जिसके बाद आपके जीवन से संकट दूर हो जाए। लेकिन अब बात राशियों की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। आचार्य जी बताएं कि मेष राशि वाले जो जातक है उनके लिए आज का दिन कैसा रहेगा, क्या कुछ विशेष उपाय वो कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आज का जो राशिफल है मेष राशि, उसमें कहती कि आज का आपका दिन अनुकूल रहने वाला है, कार्यस्थल पर सुधार होगा, योजना आपकी फलीभूत होने वाली है, कुछ पूछ परख भी रहेगी, निवेश आपका लाभदायक होगा, सामाजिक कार्य भी आप करने वाले हैं, पत्नी से आश्वासन मिलेगा, आपकी मिलनसारता एवं धैर्य आपके परिवार और समाज को आदर सम्मान दिलाएगी। आय से अधिक आप व्यय न करें। शुभ रंग गोल्डन, भाग्यांक 5 उपाय के रूप में आज हनुमान चालीसा का पाठ करें। क्या न करें? शेयर बाजार में निवेश न करें। बात करते हैं अगली राशि की, वृष राशि। वृष राशि कहती है कि यात्रा, नौकरी व निवेश आपके मन अनुकूल लाभ देंगे, और डूबी हुई रकम भी प्राप्त हो सकती है, प्रसन्नता बनी रहेगी, आधिकारिक सहयोग करेंगे, व्यापार के विस्तार हेतु प्रयास करना होगा, शुभ कार्यों पर धन व्यय होगा, दूसरे के काम में हस्तक्षेप न करें। शुभ रंग पीला, भाग्यांक 9 उपाय के रूप में भगवान शालिग्राम को तुलसी का पत्र चढ़ाएं। क्या न करें? आप छिपे शत्रुओं से सावधान रहें, उनमें कभी भी विश्वास न करें। हम बात करते हैं अगली राशि, यानी मिथुन राशि की। मिथुन राशि कहती है कि आकस्मिक खर्च हो सकते हैं, कर्ज लेना पड़ सकता है, कुसंगति से बचें, स्वास्थ्य कमजोर रहेगा, बाड़ी पर संयम रखते हुए कार्य करें, आजीविका के क्षेत्र में प्रगति के योग हैं, व्यापार नौकरी में रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। शुभ रंग सिल्वर, भाग्यांक 4 उपाय के रूप में माँ दुर्गा को गुड़हल का फूल चढ़ाएं। क्या न करें? आज अनावश्यक यात्रा न करें। हम बात करते हैं अगली राशि की, कर्क राशि। कर्क राशि कहती है कि यात्रा, नौकरी व निवेश आपके मन अनुकूल रहेंगे, नवीन वस्त्र आभूषण की प्राप्ति होगी, भाग्य में उन्नति होगी, प्रमाद न करें, पराक्रम क्षमता के कारण आपको यश की प्राप्ति होगी, मानसिक संतोष प्रसन्नता से आपकी कार्य क्षमता बढ़ेगी, व्यापार में आपके लाभ होगा। शुभ रंग गुलाबी, भाग्यांक 5 उपाय के रूप में माँ काली को बतासे का भोग लगाएं।
क्या ना करें, आज किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न न होने दें। चलिए बची हुई राशियों के बारे में भी बात करेंगे, साथ ही हनुमान चालीसा के महत्व के बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, देखते रहिए भाग्य चक्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात हम बची हुई राशियों की करेंगे, साथ ही आपको बताएंगे कि हनुमान चालीसा में मंत्रों का आखिर क्या कुछ महत्व है। शुरुआत करते हैं सिंह राशि से। बिल्कुल, सिंह राशि कहती है कि आज आगंतुक पर धन आपका व्यय होगा, अच्छी खबर मिलेगी, प्रसन्नता भी बनी रहेगी, मान सम्मान बढ़ेगा, धन की कमाई भी होने वाली है, लेकिन साथ साथ थकान भी रहेगी। आजीविका में परिवर्तन अथवा नवीन अवसर भी प्राप्त होने के पूरे योग हैं। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा, आडंबरों से दूर रहें। शुभ रंग लाल, भाग्यांक एक उपाय के रूप में शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाएं। क्या न करें, अधिक धन खर्च करने से आपको बचना चाहिए। बात करते हैं हम कन्या राशि की। कन्या राशि कहती है कि आज रुके हुए कार्य आपके पूरे होंगे, घर बाहर से आपकी पूछ परख रहेगी, दिन आपका अनुकूल होगा, लाभ के अवसर हाथ आएंगे, निवेश भी शुभ रहेगा, प्रसन्नता व आशाजनक वातावरण के कारण आपके प्रयास अच्छे रहेंगे, भेंट उपहार की प्राप्ति भी संभव है, धन संबंधित अर्थ संबंधित आपको सुख प्राप्त होगा। शुभ रंग केसरिया, भाग्यांक आठ उपाय के रूप में चींटियों को आटा डालना आपके लिए अच्छा रहेगा। क्या ना करें, जीवन साथी के साथ असावधानी न बरतें। हम बात करते हैं अब तुला राशि की। तुला राशि कहती है कि पुराना रोग भर सकता है, नकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी, काम में मन थोड़ा कम लगेगा, झंझटों में न पड़े, धैर्य रखें, वाणी पर नियंत्रण रखें, जोखिम के कार्यों से आपको दूर रहना चाहिए। आज लगभग फल मिला जुला रहने वाला है, संतान के व्यवहार से थोड़ा सा कष्ट आपको जरूर पहुंचेगा। और शुभ रंग आसमानी, भाग्यांक दो उपाय के रूप में अपने कुल देवी को लड्डू का भोग लगाएं। क्या न करें, अपने कार्य करते हुए आपको धैर्य नहीं खोना चाहिए। वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि कहती है कि किसी आनंद उत्सव में भाग लेने का मौका मिलेगा, बौद्धिक कार्य आपके पूर्ण सफल होंगे, प्रसन्नता सही रहेगी और सही निर्णय लेने में आज अच्छे रहेंगे, मित्रों से मदद मिलेगी, पारिवारिक जीवन आपका सुखद रहने वाला है, किए गए कार्य में शुभ परिणाम भी आपको दिखेंगे। शुभ रंग हरा, भाग्यांक छः उपाय के रूप में शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाएं। क्या न करें, आज वाहन चलाते हुए लापरवाही न करें। हम बात करते हैं धनुराशि की। धनुराशि कहती है कि परीक्षा व साक्षात्कार आदि में सफलता मिलेगी, संपत्ति के बड़े सौदे आपको लाभ दे सकते हैं, ईश्वर पर आस्था भी बढ़ेगी, साहस पराक्रम में भी वृद्धि रहेगी, व्यापार के नए प्रस्ताव भी आपको मिल सकते हैं, शीत संबंधित विकार हो सकते हैं यानी ठंडी या कोल्ड भी आपको हो सकता है। शुभ रंग सफेद, भाग्यांक एक उपाय के रूप में भगवान सूर्य को नमस्कार करें। क्या ना करें, आलस्य ना आने दें। बात करते हैं हम मकर राशि की। मकर राशि कहती है यात्रा, निवेश व नौकरी आपके मन के अनुकूल रहने वाले हैं, वैवाहिक प्रस्ताव मिल सकता है, सकारात्मक विचारों के कारण प्रगति के योग आएंगे, कार्य पद्धति में विश्वसनीयता बनाए रखें, मृतों में वर्चस्व बढ़ेगा, आजीविका के नए प्रस्ताव भी आपको मिलने वाले हैं। शुभ रंग पीला, भाग्यांक चार उपाय के रूप में जल में रोली मिलाकर के भगवान सूर्य को अर्घ दें। क्या न करें, किसी भी काम में आप जल्दबाजी न करें। हम बात करते हैं अब कुंभ राशि की। कुंभ राशि कहती कि जोखिम उठाने में जल्दबाजी बिल्कुल न करें, दुष्ट जन आपको हानि पहुंचा सकते हैं, पुराना रोग हो सकता है, धैर्य रखने की जरूरत है, निजी जनों में असंतोष का वातावरण भी आज बन सकता है, भूमि आवास की समस्या में वृद्धि होगी, आर्थिक चिंता बनी रहेगी, व्यापार व व्यवसाय आपका लगभग सामान्य रहने वाला है। शुभ रंग भूरा, भाग्यांक नौ उपाय के रूप में शनिदेव को काला कपड़ा चढ़ाएं। क्या ना करें, रात में दही का सेवन बिल्कुल ना करें। हम बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि कहती है कि आपका दिन अनुकूल रहने वाला है, आपकी रुचि आज तंत्र मंत्र में रहने वाली है, राजकीय सहयोग मिलेगा, विवाद को बढ़ावा बिल्कुल न दें, घर बाहर से आपकी प्रसन्नता रहेगी, लाभ भी होगा, बुद्धि एवं तर्क के कार्य के प्रति आपका सफलता के योग बनेंगे। शुभ रंग ऑरेंज, भाग्यांक सात उपाय के रूप में भगवान शिव को चमेली का फूल अर्पण करें। क्या ना करें, किसी भी गलत काम में हाथ न बटाएं जिससे कि आपको बाद में पछताना पड़े। जो तो राशियों के बारे में हमने बात की और आपको बताया कि कैसे आप अपने दिन को शुभ बना सकते हैं, कैसे आपको सावधानियां बरतकर आगे बढ़ना है और कैसे आप भगवान की विशेष कृपा पा सकते हैं कुछ छोटे छोटे उपाय करके। आचार्य जी, बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।
खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।